दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. देखिए अजमेर के लिए सबसे पहली जो शुरुआत हम खबर बताने में कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम हमारे तमाम दर्शकों को ये बता दें कि मंगलवार की सुबह किसी प्रकार का अजमेर में कोई कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं आया है. जितने भी आंकड़ों के अंदर लगातार जो मेडिकल बुलेटिन होता है जो राज्य की ओर से आता है, इस मेडिकल बुलेटिन में जो आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है ये तमाम आंकड़े सोमवार रात तक के आंकड़े हैं. ये आंकड़े मंगलवार की सुबह तक की अगर हम बात करें तो मंगलवार की सुबह किसी प्रकार का कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है. लेकिन क्योंकि एमपीटीवी इंडिया लगातार सोमवार को भी बिल्कुल सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा था और उसके साथ साथ मंगलवार की जो रिपोर्ट है उसकी भी जानकारी हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उसमें सोमवार रात को 6 कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आए थे और सोमवार शाम को 3 कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आए थे और इनका जो आंकड़ा होता है वो 9 का होता है. तो आज जो स्टेट की जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है उसके अंदर जो आंकड़ा अजमेर में कोरोना पॉजिटिव का आया है वो 11 आया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है और एमपीटीवी इंडिया अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सूचना को लोगों तक पहुंचा रहा है. इसके लिए हमने जो अजमेर के सीएमएचओ हैं डॉक्टर के सोनी, उनसे भी बातचीत की है और आंकड़ों में जिस तरीके से फेरबदल हो रहे हैं, आंकड़ों में जिस तरीके से गफलत हो रही है उस पर भी हमने उनसे जानकारी प्राप्त की है. तो उन्होंने हमें जानकारी दी है कि कुछ जो रिपोर्ट्स है वो उदयपुर से आती हैं और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो अजमेर से आती हैं और इसी में आंकड़ों के अंदर थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है. हालांकि एमपीटीवी इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक सटीक जानकारी पहुंचा रहा है और उस जानकारी के मुताबिक अजमेर के जो टोटल केस मंगलवार सुबह तक जो 9 बजे तक हैं वो 133 हैं. हालांकि जो मेडिकल बुलेटिन जो आता है उसके अंदर जो जानकारी है वो 135 केस की है, लेकिन अजमेर का जो चिकित्सा विभाग है उसके माध्यम से जो जानकारी इस वक्त आई है उसमें 133 केस ही होना बताया जा रहा है और एमपीटीवी इंडिया ने सुबह 8 बजे ही अपने तमाम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दी थी. आपको एक बार आंकड़ों का जो झोल है उसमें जो लोगों को इस समय समझने में दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को हम दूर कर देते हैं. आपको बता दें कि सोमवार रात को सरकारी मेडिकल बुलेटिन जब आया था तो उसके अंदर आंकड़ों की जो संख्या थी वो 124 बताई गई थी, लेकिन एमपीटीवी इंडिया ने अपने आंकड़ों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर 127 की जानकारी दे दी थी. उसके बाद में शाम को 3 कोरोना पॉजिटिव आए और उसके बाद में 6 कोरोना पॉजिटिव जो नला बाजार के एक ही परिवार से हैं वो निकलकर सामने आए. तो सोमवार रात तक जो कोरोना पॉजिटिव के मामले थे वो 9 हो गए थे और ऐसे में 9 का जो आंकड़ा है वो जो स्टेट का मेडिकल बुलेटिन होता है उसके अंदर नहीं आए थे. लेकिन आज जब आया है तो अगर इसको टोटल किया जाए तो इसमें 124 आंकड़े हमारे पास सोमवार को जो बुलेटिन जारी हुआ था उसके अंदर था. उसके साथ में अगर इस जो 9 है 6 और 3 की संख्या को जोड़ा जाए तो टोटल 133 हो जाता है. तो अजमेर में कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 133 है. तो इसलिए तमाम दर्शक किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, किसी भी सूचनाओं में आंकड़ों को लेकर गफलत में ना रहे. उस गफलत को दूर हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों के दर्शकों के सवाल है कि जो स्टेट का जो मेडिकल बुलेटिन है उसके अंदर आंकड़ा 135 है, लेकिन एमपीटीवी इंडिया और जो बाकी के तमाम साथी हैं जो हमारे मीडिया के वो 133 का आंकड़ा बता रहे हैं. तो उसी चीज को लेकर हमने स्पष्ट हम अपने तमाम दर्शकों कर रहे हैं कि जो आंकड़ा है अजमेर में कोरोना पॉजिटिव का वो 133 ही है. इसके साथ अगर अजमेर जिले की हम स्थिति की बात करें तो अजमेर जिले में अब तक 17.58 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है. मेडिकल की टीम ने लगातार चिकित्सा विभाग की टीम स्क्रीनिंग जगह जगह पर कर रही है तो उन्होंने तकरीबन 17.58 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है, जिसके अंदर अभी तक अजमेर जिले के अंदर 30,400 लोगों को होम क्वारंटाइन भी कर दिया गया है. उनको अपने घर से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकलना है. इसके साथ में जो जानकारी अभी चिकित्सा विभाग की ओर से हमको मिली है उसके मुताबिक 3,070 लोगों की तकरीबन जांच हो चुकी है कोरोना की और उसमें से 2,608 लोगों की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, जिसमें 2,484 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. इसमें 133 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है और इलाज के साथ साथ अब उनके जो कांटेक्ट पर्सन जो लोग आए हैं उनके टच में जो लोग आए हैं
उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग लगातार जारी है। इसके साथ में आपको बता दें कि अजमेर में अभी तकरीबन 300 रिपोर्ट्स का जो कोरोना की रिपोर्ट्स है उनका इंतजार है, और उनके रिपोर्ट्स के इंतजार के में ये उम्मीद किया सकते हैं, क्योंकि ये जो 300 रिपोर्ट्स है ये कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनसे संपर्क में आए हुए लोग हैं। तो जो अजमेर में आंकड़ा है वो बहुत डराने वाला भी हो सकता है, और अगर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना या WHO और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से अगर इन लोगों ने फॉलो किया होगा तो हो सकता है कि आंकड़ा ना भी बढ़े, लेकिन चिंता का विषय चिकित्सा विभाग के लिए बना हुआ है। इसके साथ साथ एक जो अजमेर के अंदर 2 RT और PCR की जो मशीन है वो अजमेर में आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। तो इसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार चिकित्सा विभाग इतनी देरी उन मशीनों को शुरू करने में क्यों कर रहा है। अगर ये मशीनें शुरू हो जाती हैं तो जल्द से जल्द जो जांचों में वक्त इस वक्त लग रहा है, सैंपलिंग की रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है, वो नहीं लगेगा। तो इसलिए लगातार लोगों को उम्मीद ये है कि चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो लगातार जो 2 RT और PCR की मशीन है उनको जल्द से जल्द शुरू करेगा। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी अजमेर के CMHO डॉक्टर KK सोनी ने MPTV इंडिया को दी है, उसमें उन्होंने शहरवासियों से ये अपील करने के लिए कहा है कि शहरवासियों से ये अपील है कि कोरोना पॉजिटिव को आप अपराधियों के तौर पर ना लें। कोरोना पॉजिटिव अगर किसी शख्स के अंदर कोई लक्षण अगर है, उनमें खांसी या बुखार या जुकाम जैसे लक्षण उनके अंदर है, तो वो अपने स्वेच्छा के साथ में अपनी मर्जी से तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल आए और अपनी कोरोना की जांच कराए, जो कि पूरी तरीके से निशुल्क है। इसमें किसी प्रकार से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने में ऐसा आ रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम मोची मोहल्ले इलाके से जो नला बाजार के इलाके में जब मेडिकल की टीम स्क्रीनिंग करने के लिए जा रही है, तो लोगों को लोग अपने अड़ोस के जो पड़ोस के लोग हैं या घर के जो लोग हैं उनके बारे में सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनमें जो लक्षण किसी किसी लोगों में जो लक्षण है उन लक्षणों को नहीं बता रहे हैं, और ये छुपाने के चलते ही जो कोरोना का संक्रमण है वो आसपास और उनके परिवार के सदस्यों में तेजी से फैल रहा है। और इसीलिए अजमेर के CMHO डॉक्टर KK सोनी तमाम शहरवासियों से ये अपील और निवेदन कर रहे हैं कि अगर किसी में भी किसी प्रकार के लक्षण है तो कम्युनिटी में वायरल ना हो, कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो, इसके लिए वो खुद आगे होकर जिले अस्पताल आए और अपनी कोरोना की जांच कराएं। यहाँ पर जो तमाम मरीज हैं उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, किसी प्रकार से लोग जो कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनके साथ अपराधियों जैसा अगर व्यवहार करेंगे या जो डर लोगों के अंदर बना हुआ है उस डर को दूर करने की एक अपील अजमेर के CMHO डॉक्टर KK सोनी ने की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोग खुद आगे होकर अपने अड़ोस की जो पड़ोसी के लोग हैं या किसी कोई बाहर से आया हुआ शख्स अगर उनमें किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं तो उनकी जानकारी तुरंत दें, और खुद आगे होकर अगर लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं अजमेर के अंदर कोरोना वायरस को फैलने में एक बड़ी मदद वो लोग कर पाएंगे। इसी के साथ हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बताते हैं कि जो अजमेर का जो शेल्टर होम जहाँ से सबसे पहले खानाबदोश के मामले निकल के सामने आए थे, अजमेर का जो रेल म्यूजियम है अलवर गेट पर, उस इलाके से जिस तरीके से मामले सामने आए तो उसके बाद जो वहां पर पुलिस का जो अलवर गेट थाने का पुलिस स्टाफ ड्यूटी पर तैनात था, लगातार चौकसी अपनी निगाहें वहां पर रखा हुआ था, उन तमाम लोगों की स्क्रीनिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो अब जो खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक अब उन तमाम अलवर गेट थाना के जो पुलिसकर्मी है उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, उनकी जांच होगी, जिससे कि किसी प्रकार से उनके परिवार या फिर दूसरे साथियों को डरने की जरूरत महसूस ना हो। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है, और अजमेर के दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें कि मंगलवार सुबह अजमेर में किसी प्रकार का कोरोना का पॉजिटिव सामने नहीं आया है। ये जो तमाम आंकड़े हैं ये सोमवार देर रात को हैं, सोमवार देर रात तक कोरोना पॉजिटिव के मामले आए थे, और मंगलवार सुबह जो रिपोर्ट आई है स्टेट की उसमें 135 का आंकड़ा है, लेकिन चिकित्सा विभाग अजमेर की ओर से जो आंकड़ा बताया गया है उसमें अजमेर में केवल 133 कोरोना पॉजिटिव के मरीज है। कल सुबह 1 आया था, शाम को 3 आए थे, रेत रात को 6 पॉजिटिव पेशेंट्स आए। अब भी क्या आंकड़ा है और क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, जो भी कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर आज भी टीम्स गई हैं, जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, और रूटीन के अंदर जो भी उसमें आईरिस पेशेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करके उनकी भी सैम्पलिंग कराने का प्रयास किया जा रही है, ताकि मैक्सिमम लोगों का सैंपल्स हो जाए और जो भी पॉजिटिविटी है एक बार सामने आ जाए। और आपकी मीडिया के माध्यम से हम सबको यही आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट्स जिनको भी अगर लगता है कि हमारे को कहीं सर्दी बुखार जुकाम है तो घबराएं नहीं, तुरंत अस्पताल आ जाएं और अपना जाँच करा लें। जाँच निःशुल्क है और इसमें कोई ऐसा वो भी नहीं है कि ये कोई डरने वाली बात है, क्योंकि अधिकतर हमारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और उनकी क्योरेट भी अच्छी है। तो मैं साथ ही
अगर हम अभी भी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की पालना नहीं करेंगे तो केसेस को रोकने में हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये आप जब भी देखेंगे जो जो केसेस हैं सबकी मोबिलिटी है इधर से उधर और उसी के कारण केसेस आ रहे हैं। सर ये 6 पॉजिटिव आए हैं कहाँ से आए? ये एक ही फैमिली के पेशेंट हैं, सुरेश जो बलराज का जो क्लोज कॉन्टैक्ट था उसकी फैमिली। अभी क्या आंकड़ा क्या पहुँच चुका है? अभी का आंकड़ा दोनों मिला के 133।